हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ खुशी। सो आज की वीडियो में मैं आपको पंचकुहिया मार्केट जो दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास पड़ता है उसका मैं आपको कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरा पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आपको कुछ फर्नीचर के आइटम्स और कुछ होम डेकर के आइटम्स वहाँ पर दिखाए थे विद प्राइस रेंज। तो इस वीडियो में मैं कुछ और शॉप्स कवर करने वाली हूँ इस मार्केट की, जो मुझे अच्छे लगे थे और जहाँ एक अफोर्डेबल रेंज में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक जो लोगों का कन्फ्यूजन होता है इस मार्केट को लेके और बंजारा मार्केट जो सेक्टर 56 गुड़गांव में पड़ता है, ये दोनों मार्केट को लेके लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये मार्केट अच्छा है कि बंजारा मार्केट अच्छा है। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि दोनों मार्केट में से मुझे कौन सा बेटर लगा। तो यहाँ पर मैं आपको बंजारा मार्केट की कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। सो बंजारा मार्केट में आपको होम डेकर के आइटम्स की और सिरेमिक के आइटम्स की एक ह्यूज वैरायटी देखने को मिलती है। हर एक आइटम में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जबकि अगर फर्नीचर के आइटम की मैं बात करूं तो मुझे पंचकुहिया मार्केट में बंजारा मार्केट से ज़्यादा वैरायटी मिलती है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा मार्केट प्रेफर करें, तो दोनों ही मार्केट अच्छे हैं। दोनों ही मार्केट की अपनी अलग स्पेशलिटी है। अगर मैं होम डेकर के लिए शॉपिंग करना चाहूँगी तो मैं डेफ़िनेटली बंजारा मार्केट विज़िट करूँगी, और अगर मुझे फर्नीचर के आइटम लेने होंगे और मुझे ऑप्शन देखना होगा तो मैं पंचकुहिया मार्केट विज़िट करूँगी। बंजारा मार्केट में भी आपको फर्नीचर के आइटम्स मिलेंगे, बट वैरायटी जैसे मैंने बोला आपको पंचकुहिया मार्केट में ज़्यादा मिलेगी। एंड प्राइस वाइज एंड क्वालिटी वाइज दोनों ही मार्केट बेस्ट है। सो अगर आपको बंजारा मार्केट का वीडियो देखना है, इस मार्केट के कलेक्शन देखने हैं विद प्राइस रेंज, तो वो आप मेरा प्रीवियस वीडियोज देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये वाली शॉप से, जहाँ पे आपको इस टाइप के होम डेकर के आइटम और कुछ ग्लास के आइटम मिलेंगे, और इसके अलावा इनकी शॉप पे आपको इस टाइप के स्टैचू भी मिल जाते हैं। तो प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो 500 से स्टार्टिंग थी इनकी, एंड 1000, 2000, 3000, 4000 इस टाइप के रेंज में थे ये एज़ पर द साइज़। वर्क बहुत ही फाइन था इनका, और प्राइस वाइज भी मुझे जस्टिफाइड लगे, क्योंकि आई थिंक अगर आप इस टाइप की चीज़ें कहीं ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या किसी भी और मार्केट से लेते हो तो उनका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता है, और हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि उनकी क्वालिटी कैसी होगी। बट यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो भी चीज़ मिलेगी एक बहुत ही फाइन क्वालिटी में मिलेगी। सो इसी शॉप के पास एक ये वाली शॉप थी, जहाँ पे वुडन के कैबिनेट, स्टोरेज बॉक्स और कबर्ड्स मिल रहे थे। तो ये छोटे वाले 1000 रुपीज़ की रेंज में थे, और जो इनके नीचे रखे हुए हैं ये 3000 से स्टार्टिंग थे इनकी। सो क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी इनकी, और ये शॉप मैं आपको रेकमेंड करूँगी। इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी इस टाइप के आइटम्स की, फुल फर्निश करके देते हैं आपको ये सारे आइटम। और इस टाइप के ये डबल डोर वाले जो आप देख रहे हो, इनका प्राइस इन्होंने 2000 बोला था, और ये ट्रिपल डोर वाले, इसका प्राइस इन्होंने 4000 बोला था, और ये जो स्मॉल टेबल विद कैबिनेट है इसका प्राइस इन्होंने 2000 बोला था। सो ओवरऑल आपको इस शॉप पे 1000 से लेके 4000 तक की रेंज में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और 10-15% ये डिस्काउंट भी दे देते हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कलर नहीं अच्छा लग रहा, या कलर अच्छा है डिज़ाइन नहीं अच्छा लग रहा, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा सकते हो उनको। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ की प्राइस जाननी है इस शॉप की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तो स्पेसिफिक चीज़ का मैं आपको वहाँ प्राइस बता दूँगी। एक ये वाला आइटम भी इनकी शॉप पे था, जिसमें वुडन चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगे होते हैं, और ये 8000 का प्राइस था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इनका ये वाला आइटम। सो इस टाइप के आइटम की आपको इस पूरे मार्केट में कई जगह शॉप्स देखने को मिलेंगी, बट मुझे ये वाली शॉप ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, और एक अच्छा बार्गेनिंग का स्कोप भी था इस वाली शॉप पे। तो ये वाली शॉप मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। तो इसी शॉप के पास आपको एक ये वाली शॉप मिलेगी, जहाँ पे आपको इस टाइप के ड्रेसिंग टेबल की ह्यूज वैरायटी मिलेगी। मुझे इनकी शॉप काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि आप देख सकते हो कितने ही क्लासी डिज़ाइन के इनके पास ड्रेसिंग टेबल्स हैं। सो 5000 से स्टार्टिंग थी इनकी, और एज़ पर द डिज़ाइन प्राइस रेंज वेरी कर रहा था, लाइक 6000, 8000, 10000 इस टाइप की रेंज में आपको ये यहाँ पे मिल रहे थे आइटम्स। इस पूरे मार्केट में मुझे एक यही वाली शॉप दिखी थी, जहाँ पे मुझे इतनी सारी वैरायटी में ड्रेसिंग टेबल्स देखने को मिले।
ये वाली शॉप आप जरूर विजिट करना अगर आपको इस टाइप के आइटम्स लेने होंगे तो। शॉप नंबर 124 पे आपको इस टाइप के वॉल क्लॉथ की ह्यूज वैरायटी देखने को मिलती है। ये 500 से स्टार्टिंग होती है एंड 800 900 इस टाइप की रेंज में मिलते हैं। और कुछ इस टाइप के यहाँ पे मैट्स भी मिलते हैं जो 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है एंड 200 300 इस टाइप की रेंज में आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे थे ये। और इस पूरे मार्केट की एक स्पेशलिटी है कि हर एक चीज़ आपको एक क्वालिटी वाली मिलेगी, आपको कभी भी इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं मिलेगी। इसके अलावा इनके पास ये कारपेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। जैसे ये 6x4 का साइज़ था जो इन्होंने 1800 बोला था आफ्टर डिस्काउंट। बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं इनके पास हर एक डिज़ाइन में। तो एक ही वाली शॉप भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर आपको वॉल क्लॉक्स ले रहे हैं या मैट लेने हैं या कारपेट लेने हैं तो ये वाली शॉप आप ज़रूर विज़िट करें। तो शॉप के बगल में ही ये शॉप नंबर 123 थी जहाँ पे इस टाइप के वुडन आइटम्स मिल रहे थे और इम्पोर्टेड आइटम्स थे इनके पास ये सारे। सो इस टाइप की वुडन शेल्फ रैक इनके पास आपको 3500 में मिल जाएंगे और ये छोटा वाला जो इसके बगल में रखा हुआ है वो 2500 की रेंज में आफ्टर बार्गेनिंग मिल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे टेबल्स रखे हुए हैं ये आपको यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग होती है इनकी और 2000 2500 इस टाइप की रेंज में मिल जाता है। तो एक प्रीमियम और इम्पोर्टेड क्वालिटी की आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और एक ये वाला टेबल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी इन है आजकल और ये इन्होंने 3500 का बोला हुआ था। और इस टाइप की टेबल आपको ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। इसके अलावा आपको इनकी शॉप पे ये इस टाइप के स्टोरेज बॉक्सेस भी मिल जाते हैं, 7000 से लेके 10000 तक की रेंज में मिल जाता है एज़ पर द साइज़। तो थोड़ा सा प्राइस वाइज मुझे ज़्यादा लगा बट क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम थी और इम्पोर्टेड थी इसीलिए। तो इस वाले शॉप पे मार्बल्स के बहुत सारे टेम्पल्स मिल रहे थे और बहुत सारे इनके पास कलेक्शंस थे। सो 2000 से स्टार्टिंग थी इनकी एंड 2000 से लेके 10000 तक की रेंज में हर साइज़ के टेम्पल्स अवेलेबल थे इनकी शॉप पे। मार्बल्स के टेम्पल बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं अगर आप कहीं और से लेते हो बट यहाँ पे मुझे इनकी प्राइस रेंज ठीक लगी थी। बहुत प्यारे से डिज़ाइन थे इनके, मुझे मार्बल के टेम्पल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मार्बल के अलावा आपको वुडन के भी टेम्पल्स इस वाली शॉप के जस्ट बगल में ही मिल जाएंगे। सो 1000 से स्टार्टिंग होती है एंड 5000 तक की रेंज इनके पास होती है, हर साइजेस में अवेलेबल है। तो जैसा भी आपको पसंद है आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो आगे चलते हैं और इस वाली शॉप पे आपको LED ग्लास के मिरर्स विद टच सेंसर्स मिल जाते हैं और ये 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है इनकी, 1000 से लेके 3000 3500 इस टाइप की रेंज में मिलते हैं एज़ पर द साइज़। और इस टाइप के छोटे वाले ये भी 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है, 100 से लेके 300 400 इस टाइप की रेंज में मिल जाते हैं। इनके पास भी ह्यूज कलेक्शंस ऑफ मिरर्स थे। सो इस टाइप के मिरर्स भी ये 500 से स्टार्टिंग है इनकी, 1000 2000 इस टाइप की रेंज में आपको इस टाइप के मिरर यहाँ पर मिल जाएंगे। सो इस टाइप की मिरर्स एक प्रीमियम क्वालिटी में आपको लेनी हो तो ये वाला शॉप मैं आपको रेकमेंड करूंगी क्योंकि यहाँ पे जो अंकल बैठे हुए थे वो भी बहुत अच्छी बार्गेनिंग भी कर रहे थे। सो काफ़ी बड़ा मार्केट होता है ये। और अपने पार्ट वन वीडियो में मैंने सोफ़ा सेट, कबर्ड्स, डाइनिंग टेबल, चेयर्स और TV यूनिट्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी थी विद प्राइस रेंज। तो अगर आपको आइडिया लेना है तो आप उस वीडियो से ले सकते हो। सो अब कुछ बेड्स देख लेते हैं। इस मार्केट से थोड़ा सा ही बाहर निकलते हैं जब तो ये यहाँ पे कुछ कारपेंटर्स लगे होते हैं जो बेड्स ऑर्डर पे बना रहे होते हैं और इधर भी शॉप है जहाँ पे आपको बेड्स मिल जाते हैं। सो अगर आपको बेड्स लेने हैं सिंगल या डबल तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी यह बाहर वाली मार्केट से लेना क्योंकि अंदर वाली मार्केट में जहाँ पे बेड मिल रहे थे उनका रेट मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था और क्वालिटी वाइज भी सेम ही थी। तो मुझे आई डोंट नो क्यों उन्होंने प्राइस ज़्यादा बताया था अंदर, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इन्होंने बेड का मुझे ऑफ़र करा था। जैसे इस वाली शॉप पे आपको इस टाइप के बेड 10 से 12000 तक की रेंज में मिल जाएंगे और क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग थी इनकी। डिज़ाइंस एंड कलर ऑप्शंस बहुत सारे थे इनके पास। तो जैसा भी आपके होम का इंटीरियर है और जिस भी कलर का डिज़ाइन का बेड लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऑर्डर देके भी बनवा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे इस मार्केट की अच्छी लगी कि आप अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज चीज़ें भी बनवा सकते हो। तो इस मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसमें आपको इस मार्केट का एड्रेस मिलेगा, आप कैसे यहाँ पे जा सकते हो, किस एरिया के पास है ये। और जैसा मैंने बोला अगर किसी पर्टिकुलर आइटम की प्राइस जाननी है आपको इस मार्केट की तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर आपको मैट्रेसेस भी मिल जाते हैं एक अफोर्डेबल रेंज में।
सो आगे जाने पे इसी लेन में ही शॉप नंबर 40 पे इस टाइप के स्टडी टेबल्स, लैपटॉप टेबल्स और ये हर साइजेस के फोल्डिंग टेबल्स मिल रहे थे। 400 से स्टार्टिंग थी इनकी और 2000 तक की रेंज में थे एज पर द साइज। सो एक ये भी शॉप मैं आपको रेकमेंड करूँगी, इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी इस टाइप के टेबल्स की। किड्स के लिए भी यहाँ पे टेबल्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे कलेक्शंस हैं। तो बहुत अच्छे एक प्राइस और क्वालिटी में यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस शॉप के जस्ट सामने ये वाली शॉप थी जहाँ पे इस टाइप के बहुत ही ब्यूटीफुल से लैम्प्स मिल रहे थे। 300 से स्टार्टिंग थी इस टाइप के लैम्प्स की। वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल से डिज़ाइन थे इनके पास, और इसके अलावा इस टाइप के भी ये छोटे छोटे इनके पास लैम्प थे और ये 150 इसका प्राइस था। बहुत प्यारे डिज़ाइन एंड कलर्स थे इनके, काफ़ी सारी वैरायटी थी लैम्प्स की इसमें। इनके पास साइजेस भी बहुत सारे थे इस टाइप के लैम्प्स की, और कुछ इनके पास इस टाइप के शेप वाले भी लैम्प्स अवेलेबल थे। और विद स्टैंड ये वाली लैम्प इन्होंने 2500 बोली थी, बट विदाउट बार्गेनिंग वाली प्राइस थी। आप चाहे तो बार्गेनिंग भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। और सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें ये बिग साइजेस वाले लैम्प्स भी थे, और ये बहुत अच्छे लगते हैं घरों में। इसका इन्होंने 250 रुपीज़ प्राइस बताया था। तो ये वाले लैम्प मैंने ख़रीदे भी थे, आपने मुझे मेरे पिक्चर्स या वीडियो में देखा भी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस मार्केट के अदर आइटम्स की प्राइस रेंज जानने के लिए मेरा पार्ट वन वीडियो आप ज़रूर देखें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।